हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही छोटे देश मॉरिशस। मॉरिशस जो कि अफ्रीका महाद्वीप में तथा हिंद महासागर के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। यह इतना छोटा देश है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह ओनली 45 किलोमीटर लंबा और 47 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 2040 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह देश विश्व में 117वें रैंक पे आता है। दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा घनी आबादी इसी शहर में रहती है। दोस्तों, इस देश का कुल पॉपुलेशन 12 लाख के आसपास है। पॉपुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह देश विश्व में 156वें नंबर पे आता है। अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में 50% से भी ज्यादा हिंदू धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। इसके बाद अल्प संख्या में ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। मॉरिशस का इतिहास। दोस्तों, इस छोटे से देश का इतिहास भी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, मॉरिशस का खोज पुर्तगालियों ने 15वीं शताब्दी में किया था। इसके बाद इस देश में पुर्तगालियों का शासन रहा। फिर इसके बाद फ्रांस ने इस पे बहुत दिनों तक शासन किया और फिर जब ब्रिटेन का वर्चस्व हुआ तथा 19वीं सदी में ब्रिटेन ने यहाँ पर शासन किया। फिर 1968 में ब्रिटेन ने इसे स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया और कुछ सालों बाद 1992 में रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस का गठन हुआ। उसके बाद से यह देश अपने तरक्की के और चल पड़ा। दोस्तों, आज मॉरिशस का पर कैपिटल ग्रोथ 14.812 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का कुल जीडीपी ग्रोथ का 90% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। यही कारण है कि इस देश में पर्यटक एक बहुत बड़ा उद्योग है। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पर बृहद संख्या में क्रियोल और भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर भारतीयों की संख्या ज्यादा है। साथ ही यहाँ पर हिंदी और फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाती है। दोस्तों, अगर लिटरेसी की बात की जाए तो इस देश का लिटरेसी रेट 91% है और इस देश के लोग लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं। इस देश का कॉलिंग कोड +230 है। दोस्तों, इस देश में मॉरिशियन रुपी चलती है, जो कि एक मॉरिशियन रुपी बराबर 2 रुपया INR के बराबर होता है। दोस्तों, मॉरिशस चारों तरफ से पानी से घिरे हुए के कारण इसका खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है, लेकिन यह देश इतना छोटा होने के बावजूद इसका खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है। नीले नीले समुद्र, ऊंचे ऊंचे हरियाली से ढके पहाड़, सफेद रेत से ढकी मीलो समुद्र तट, प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। प्रकृति का सौंदर्य दीदार करने के लिए लोग यहाँ हर कोई खींचे चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का सरकार का पर्यटन के प्रति खुले रवैया और यहाँ के लोगों का सादर सम्मान। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मॉरिशस का समुद्री तट इतनी क्लीन और खूबसूरत है कि दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट बीच टूर का कई बार अवार्ड भी जीत चुकी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से आइसलैंड में बहुत सारे लुभाने जगह हैं, जिसे हर कोई दीदार करना चाहता है, जैसे कि 7 कलर्ड अर्थ, जहां आप रेत के टीले को 7 कलर में देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्लेस मॉरिशस का सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। साथ ही आप यहां पर वाटरफॉल, बॉटनिकल गार्डन और भी बहुत सारे आकर्षक प्लेसेस को घूम सकते हैं। साथ ही यहां पर नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप समुद्र में काफी वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर ड्राइव, स्पीड बोटिंग और भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको मन को मोह लेगा। साथ ही यहाँ पर मीलो पहाड़ों पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की साफ सुथरी सफेद सड़कें, यहाँ की यातायात बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, प्रकृति ने इस आइसलैंड को इतना खूबसूरत बना दिया है कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग खींचे चले आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटी सी कंट्री को विजिटिंग करने के लिए
हर साल लगभग 14 लाख लोग से भी ज्यादा पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के संग। तब तक के लिए गुड बाय।